हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टार्टअप सुविधा केंद्र और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। वेल, यूनिकॉर्न वर्ड आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आखिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता क्या है? जब कोई कंपनी जो एक छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई थी, वह सक्सेस की ओर चलती है और कंपनी को फायदा होता है, और एक समय आता है जब उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन या इससे ज्यादा हो जाती है, तो ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न कहलाता है। आपने कभी सोचा है कंपनी के स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने का आखिर क्या फायदा होता है? जैसा कि अभी बताया कि किसी कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन या इससे ज्यादा होने के बाद ही वे यूनिकॉर्न बन जाती है। हालांकि आज के टाइम में एक स्टार्टअप केवल इसी मकसद से शुरू किया जाता है कि उससे खूब प्रॉफिट होगा, खूब पैसा कमाया जाएगा और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा इनकम भी होगी। वेल, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पैसा कमाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो इन्वेस्टर को रिस्क भी उठाने पड़ते हैं। जैसे जैसे स्टार्टअप की ग्रोथ बढ़ती है, वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती है, और जब इन्वेस्टर को लाभ होने लगता है और देखते ही देखते स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाती है और ये यूनिकॉर्न बन जाती है, यानी कि इसे यूनिकॉर्न कंपनी या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनीज के बारे में भी आज जान लेते हैं। कुछ ऐसी इंडियन स्टार्टअप्स जिन्होंने 2023 में यानी कि 2023 में यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ली। वेल, नंबर 1, लेड स्क्वायर। लेड स्क्वायर कंपनी साल 2011 में स्टैब्लिश की गई थी। भारत और यूएस बेस्ड कंपनी वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $153 जुटाने के बाद जून में इसे भारत में यानी कि इंडिया में 103वां यूनिकॉर्न बना दिया गया। नंबर 2, पर्पल। पर्पल कंपनी को मनीष तनेजा और राहुल दास ने स्टार्ट किया था। 2012 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्टार्टअप मुंबई में है। स्टार्टअप का फोकस ब्यूटी प्रोडक्ट और अप्लायंसेस पर है। सीरीज ई फंडिंग राउंड में $1.1 अरब के एवेल्यूएशन पर नए और मौजूदा इन्वेस्टर से $33 मिलियन जुटाने के बाद ये भारत का 102वां यूनिकॉर्न बन गया, यानी कि 102वां। नंबर 3, फिजिक्स वाला। साल यानी कि 2016 में ये स्टार्ट किया गया इसका यूट्यूब चैनल, जिसके थ्रू अलक पांडे, प्रतीक महेश्वरी ने फिजिक्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कराते हैं। साल 2020 में फिजिक्स वाला एक पूरी तरीके से एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना। 1.1 अरब इकट्ठा करने के बाद स्टार्टअप ये भारत में देश का 101वां यूनिकॉर्न बन गया। नंबर 4, पेटीएम। पेटीएम डिजिटल पेमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है, ये हम सभी जानते हैं, बखूबी यूज भी करते हैं। ये इंडिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप में आता है। 2015 में पेटीएम को यूनिकॉर्न की डिग्री मिली थी। जब पेटीएम की यूनिकॉर्न बनाया गया था, तब इसकी वैल्यूएशन आपको बता दें कि $7 बिलियन थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नंबर 5, स्विगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली ऐप है, सभी जानते हैं, इस ऐप को हम यूज भी अक्सर करते हैं। मिनटों में खाना आ जाता है, बहुत ही जल्दी जो भी हम ऑर्डर करते हैं। फूड डिलीवरी का समय आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। स्विगी को स्टार्ट अगर हम बताएं तो 2014 में राहुल जैमिनी, नंदन रेड्डी और श्री हर्ष मैजिस्ट्रेट ने किया था। हालांकि 1 करोड़ देशवासियों ने यानी कि अराउंड 1 करोड़ लोग स्विगी ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। जी हाँ, वैसे भी कुछ कंपनीज जिन्होंने वाकई में 2023 में यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री मारी। वेल, आप सभी के बारे में जानते हैं, सभी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं। साथ ही अगले वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप तक उस वीडियो को पहुंचाया जाए।